कौन बनेगा अगला प्रधानमंत्री कार्यक्रम में उड़ी लोकतंत्र की धज्जियां। एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल के चुनावी चर्चा संबंधी कार्यक्रम में भिड़े सपाई और भाजपाई, चार लोगों के नामजद करते हुए दी तहरीर, कई अज्ञात भी शामिल। बेनकाब हुई महिला, दलित व पिछड़ी जात विरोधी भाजपाई सोच, अपनी नाकामी छुपाने को गुंडई पर आमादा। भाजपाइयों ने किया तांडव, महिलाओं से अश्लील हरकत व घिनौना कृत्य। और जिसमें सभी दलों के नेता कार्यकर्ता मौजूद थे, हमारी समाजवादी पार्टी के भी लोग वहाँ पर मौजूद थे। और हम लोग इतने सौहार्दपूर्ण माहौल में गए थे कि क्योंकि कल भी इस तरीके की घटना भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने की थी हमारी पार्टी के लोगों के साथ में, पार्टी की स्थिति कल भी पैदा करी थी उन्होंने। लेकिन आज जो स्थितियाँ, हम लोग इसीलिए हंसते माहौल में सबसे मिलते जुलते गए कि कोई इस तरीके की घटना ना हो पाए। लेकिन उसके बाद जब शुरुआत होती है और बीजेपी के प्रतिनिधि अपनी बात को कहते हैं कि पाकिस्तान में उन्होंने क्या किया, उस बात पर हमारे समाजवादी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता ने कोई भी आवाज़ नहीं की कि वो अपनी बात को कह लें। लेकिन जब हमारे प्रतिनिधि क्रांति कुमार सिंह जब अपनी बात कहने के लिए उठते हैं, तो उसके बाद इनके लोग बहुत तेज से चिल्लाने लग जा रहे हैं, पीछे से गाली गलौज कर रहे हैं, वो गालियाँ जो हम आपको बता भी नहीं सकते। इस तरीके की गाली गलौज करने के बाद जब हमारे जयगिराज भाई हैं, एडवोकेट भी हैं, जब ये उसका विरोध करते हैं कि इस तरीके की हरकत नहीं होनी चाहिए, तो उनके भारतीय जनता पार्टी के गुंडे ही कहेंगे, क्योंकि आज हम लोगों ने उनकी गुंडई देखी है। उन गुंडों ने इनके ऊपर प्रेशर बनाया, इनको मारने की कोशिश करी, मारपीट करने की कोशिश करी। तो हम लोग सब लोग परमोदा जी हैं, अंजलि सिंह हैं, हम लोग इनको बहुत जातिसूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया। और उसके बाद जब हम लोग इनको बचाने के लिए दौड़े, तो हमारी जिला कार्यकारिणी के मेंबर हैं ये अंजलि सिंह जी, इनकी सदरी फाड़ दी, इनका दुपट्टा गायब है। बहुत ही ज़्यादा, अब बहुत सारी चीज़ें बताना मुश्किल है, लेकिन इतना ज़्यादा बदतमीजी की गई है वहाँ हमारी महिलाओं के साथ में, जो बहुत निंदनीय है। उसके बाद हम लोग, अब मैंने खुद कप्तान के नंबर पर फ़ोन किया है कि इस तरीके की घटना है, आप पुलिस को भेजिए। तो इंस्पेक्टर कोतवाली वहाँ से निकल रहे होंगे, तो वो जब आए तो उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा, वहाँ अफरा तफरी का माहौल था, बिल्कुल इस तरीके से जैसे हम लोग अपने आप को बचा के वहाँ से भागे। फिर हम लोग कप्तान के पास गए, हमने एप्लीकेशन दी है, उन्होंने आश्वासन तो दिया है कि कार्यवाही करेंगी। और हमने स्पेशली इस बात को कहा है कि जिस तरीके का गुंडा एलिमेंट अगर बदतमीजी कर रहा है और महिलाओं के साथ इस तरीके की घटना हो रही है, हम लोग महिलाओं का नेतृत्व करते हैं क्योंकि राजनीतिक पार्टियों से आते हैं, अगर हमारे साथ इस तरीके की घटना भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, तो आम महिलाओं का क्या होगा, ये बहुत सोचनीय प्रश्न है। और आप लोगों के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग ज़रूर इस बात के लिए हम लोग का साथ दें, हमारे साथ खड़े हों, जिससे कि जितने भी लोग इन्होंने बदतमीजी की है, हम लोग इनके ऊपर मुकदमा दर्ज जरूर होना चाहिए, हम लोग डिमांड रही है आगे से इस तरीके की घटनाएँ ना। आज लखीमपुर में टीवी चैनल की डिबेट थी और उस डिबेट में आज लखीमपुर जिले में जो भी 5 साल में सरकार के द्वारा विकास कार्य कराए गए, उस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष को अपनी बात रखनी थी कंपनी वाले। जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे, अपनी बात को जब प्रोग्राम शुरू हुआ, प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही भाजपा के जो गलत तत्व वहाँ पर मौजूद थे, गुंडा एलिमेंट वहाँ पर मौजूद थे, उन लोगों ने बदतमीजी करना शुरू कर दिया, गाली गलौज, गाजी को शांत किया गया। और विधिवत जब बहस शुरू हुई, तो बहस शुरू होने में अपना पक्ष रखने के बाद जब पार्टी की तरफ से, जब हमने समाजवादी पार्टी का पक्ष रखना शुरू किया, एंकर ने जब हमसे पूछा, जब हमने अपना पक्ष रखा, तो वो लोग गाली गलौज और नारेबाजी करने लगे, जिसका विरोध हमारे पार्टी के साथी जेके राज एडवोकेट जी ने किया। इनको नॉन पर्सन है क्योंकि नगर पालिका का चुनाव लड़े हैं, दलित एक्टिविस्ट है। जब इन्होंने इसका विरोध किया, तो इनको खिलाफ 4-5 जो कार्यकर्ता थे, वो लोग सब गाली गलौज करने लगे, जाति सूचक गालियां देने लगे, क्योंकि ये दलित एक्टिविस्ट है। और इसके बाद जब महिलाओं ने, जो हमारी महिला साथी हैं समाजवादी पार्टी के, उन लोगों ने जब बीच बचाव किया, नहीं आपके, आप जब बीच बचाव किया, तो इस बीच बचाव में आते नहीं है, चले आप बीच बचाव किया, तो इस बीच बचाव में महिलाओं के कपड़े फाड़ दिए गए, उनके दुपट्टे छीन लिए गए, उनके हाथ पकड़ करके उनको खींचा गया। ये सीधे तौर पे इस सरकार का दलित पिछड़ा और महिला विरोधी चेहरा है। इनके कार्यकर्ता, उनकी पार्टी दलित पिछड़ा और महिला विरोधी है। और 5 साल में जो लोग कुछ काम नहीं कर पाए हैं, वो अब लाठी डंडे, गाली गलौज और मारपीट करके जनता के उठने वाले प्रश्नों को दाब देना चाहते हैं। और इसको लेकर हम लोगों ने कप्तान से शिकायत की है, हमारी महिला जो साथी हैं समाजवादी महिला सभा की जिला अध्यक्ष दीप्ति अवस्थी जी, समाजवादी जिला कार्यकारिणी की सदस्य मारपीट जिनके साथ हुई है अंजलि सिंह जी, पारुल गुप्ता जी मजदूर सभा के प्रदेश सचिव हैं, आप सब लोग, जेके राज जी आज कप्तान से भी मिले हैं, कप्तान को अपना एप्लीकेशन भी दिया गया है। कप्तान ने कहा है कि हम
जो भी फुटेज है, वीडियो फुटेज है, उनको हम कलेक्ट करा रहे हैं और मुकदमा दर्ज करेंगे। लेकिन हम मीडिया कर्मियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप सब लोग इस लोकतंत्र की हत्या करने की जो कोशिश की गई है, इस प्रश्न को आप मीडिया में उठाने का काम करें और इस चुनाव को निष्पक्ष बनाने का काम करें। अब आप